बेटी ही है जो दो परिवारों का नाम रोशन करती है, इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाएं। जलीस खान। कामा क्षेत्र के गांव कनवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कामा विधायक जाहिदा खान के पति और कामा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान जलीस खान के मुख्य आतिथ्य तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमर सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर व पुष्प माला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक के माध्यम से बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, जिससे लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही भामाशाह द्वारा जमकर विद्यालय के लिए दान स्वरूप सहायता राशि भी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कामा विधायक जाहिदा खान के पति पूर्व प्रधान जलीस खान ने कहा कि इस विद्यालय में आकर मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि विद्यालय में 248 बच्चों का नामांकन है, जिसमें से 200 बेटियों के नामांकन है। इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आज के हालात हैं और आज के दिनों में बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं है। आज के जो हालात हैं उसमें बेटियों का पढ़ना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप बेटियों को पढ़ाओगे तो सीधे सीधे आप दो परिवारों को सुधार रहे हो। एक बेटी ही तो है जो दो परिवारों का नाम रोशन करती है। वही उदाहरण के तौर पर उन्होंने कामा विधायक जाहिदा खान के पिता तीन राज्यों के मंत्री रहे पूर्व चौधरी तैयब हुसैन की सोच के बारे में बताते हुए कहा कि उनके दो बेटे हैं जिनकी शादी मैट्रिक पास लड़कियों से की गई थी, जिसके बाद चौधरी साहब ने दोनों लड़कियों को पढ़ाया, जिसके बाद उन दोनों के द्वारा LLB की गई। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको पढ़ाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपनी बेटियों को आवश्यक रूप से पढ़ाना चाहिए। वही सरकारी विद्यालय में बच्चों के नामांकन कम होने के संदर्भ में बोलते हुए कहा कि आज के समय में सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों की सोच ठीक नहीं है, जिसके चलते लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं। इसके लिए सरकारी विद्यालयों के शिक्षक लोगों की सोच को बदले। आज के समय में सरकारी विद्यालयों में योग्य शिक्षक लगे हुए हैं और जो बच्चे पहले सरकारी विद्यालयों में पढ़कर IAS IPS बने हैं, लेकिन आज लोगों की सोच हो गई है कि हमें तो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में ही पढ़ाना है। इसमें परिवर्तन करना चाहिए और लोगों को राजकीय विद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। निजी विद्यालयों में बच्चों को अध्ययन के लिए भेजते हैं तो माँ बाप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन जब सरकारी विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो माँ बाप उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये सोच माँ बाप को भी अपनी बदलनी चाहिए। बच्चों को आवश्यक रूप से ध्यान देकर पढ़ाना चाहिए। चूंकि आज के हालात में, आज के दिनों में बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, एक जमाना था जब लोग इस बात को सोचते थे, और खास तौर से जो देहात के लोग हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, हम कोई ऐसा नहीं है भाई हम उसमें शामिल नहीं है, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जो हालात आज के हैं, उसमें बेटियों का पढ़ना, उनका आगे बढ़ना बेटों से भी ज्यादा जरूरी है। आप सब जानते हो कि अगर आप बेटी को पढ़ाओगे तो सीधा सीधा आप दो परिवारों को सुधार रहे हो, एक तो उसका खुद का परिवार और एक वो जहां जाएगी उस परिवार को। जो आपकी जो स्थानीय विधायक हैं, उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में राजनीतिक जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो उनका राजनीतिक इतिहास है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। कामा के मरुम चौधरी साहब यहां रहे हैं दो दफा, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस परिवार का जो शिक्षा के लिए जो कमिटमेंट है, शिक्षा के लिए जो उनकी सोच है या शिक्षा के लिए उनका जो योगदान है, वो शायद कम लोगों को मालूम है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मरुम चौधरी साहब के दो बेटे हैं। दोनों बेटे की शादियों में जो उनके घर में बच्चियां आई थी, वो दोनों मैट्रिक थी। चौधरी साहब ने दोनों बहुओं को रेगुलर कॉलेज में एडमिशन करा के शादी के बाद उन्होंने बीए करी और फिर LLB करी।
तो आप अंदाज लगा सकते हो कि इस परिवार का शिक्षा के लिए क्या सोच है और उनकी क्या इसके बारे में कमिटमेंट है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि सरकारी स्कूलों की जो इमेज है वो आज के हालात में अच्छी नहीं। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे। सब नु कह रहे यार प्राइवेट में तू भड़क जा, जो पढ़ना है सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। गिरावट दोनों तरफ से आई है, जो टीचर कम्युनिटी है उसमें भी गिरावट आई है और हम लोग भी बजाय इसके जागरूक हों हमने उनका कल्याण छोड़ दिया। यहाँ 95% परिवार जो है भामाशाहों का जो सहयोग विद्यालय के लिए दिया जा रहा है उसको देख करके मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इस कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज मेरा दिल बाग बाग हो गया है, दिल बाग बाग हो गया है। मैं आपको बेटा आवाज बहुत आ रही है, विभाग की जो कार्य योजना है उसके अनुसार आदर्श विद्यालयों में इस उत्सव के लिए 10,000 रुपए और उत्कृष्ट विद्यालयों में इस उत्सव आयोजन के लिए 5,000 रुपए सरकार द्वारा मुहैया कराए गए हैं। ये सरकार की एक अच्छी पहल है और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है विद्यालय के भामाशाह विद्यालय में बच्चे पढ़ने वाले उनके अभिभावक दानदाता उनको विद्यालय से जोड़ना, जो भी यहाँ से पढ़ करके गए हैं जो अच्छी अच्छी नौकरियों पर विराजमान है उनका सम्मान इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप यहाँ दिखाई आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय द्वारा ये मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ की जो छात्र संख्या है 240 है, मात्र 240, तो जिस घर में यदि रहने वाले नहीं हो तो उस घर को सुंदर नहीं कहा जा सकता, चाहे वो कितना ही आलीशान घर हो। तो इस पर भी मैं सभी गांव वालों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाएं, क्योंकि भामाशाह द्वारा सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कमी हमारे विद्यालयों में नहीं छोड़ी जा रही है। तो क्यों ना हम अपने छात्र छात्राओं को अपने बच्चों को स्थानीय विद्यालय में पढ़ाएं, सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है और अलग तरह तरह के प्रयोग शिक्षा विभाग में हो रहे हैं, ये आप आए दिन देख रहे हो। जैसा कि क्वालिटी डे पर आज परीक्षा आयोजित की गई है, तो ये एक अच्छी पहल है और ये नया प्रयोग है, क्योंकि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो किसी मायने में प्राइवेट विद्यालयों से पीछे नहीं है। तो पुनः अभी सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि स्थानीय विद्यालय जो भी राजकीय विद्यालय हैं उनमें अधिक से अधिक प्रवेश दिलाएं, छात्र संख्या को बढ़ाएं। 10-10 दिन के लिए अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्था में यहाँ लगाया था। समय समय पर 2 प्री बोर्ड व 1 अपनी तरफ से विद्यालय स्तर पर भी हम प्री बोर्ड परीक्षा संचालित करवा चुके हैं, जिसमें हमारे छात्रों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और सूचना हमने उच्च अधिकारियों को सीबीओ साहब को भी भिजवाई है। प्रत्येक बच्चे को कक्षा स्तर पर लाने के लिए विशेष तैयारी करवाई है और आगे भी इसके पूरे भरसक प्रयास हैं। विद्यालय की संरचना उन्नति के साथ साथ भौतिक विकास भी अनिवार्य होता है, ताकि बच्चे का मन लगाकर पढ़ाई कर सकें। विद्यालय के भौतिक एवं आधारभूत विकास के लिए सरकार का अनुदान बहुत कम होता है, अतः भौतिक विकास के लिए भामाशाह को आगे आना चाहिए। हमारे विद्यालय में निम्न संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। सर्वप्रथम यहाँ किसी भी कक्षा में फर्नीचर नहीं है, एक भी कक्षा में यहाँ फर्नीचर नहीं है, बच्चे सभी फर्श पर बैठते हैं, अतः इसकी महती आवश्यकता है। इसके अलावा आरओ, वाटर कूलर, टॉयलेट व कक्षा कक्ष भी कम है, कम से कम 4 कक्षा कक्ष और बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं श्रीमान प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप
चार कक्षा कक्षियाँ बनवाएं। विधायक कोटा से या अपने स्तर से गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार से बिना आपके सहयोग के यहाँ कोई भी भवन नहीं बनेगा।